कहाँ चली? यही हूँ माँ। अल्लाह बख्श घर है। तू कब आई? तू ठीक तो है ना? तू बोलती क्यों नहीं है? अल्लाह बख्श घर में नहीं है। अल्लाह बख्श यार, तू क्यों उसकी जिंदगी अजाब में डाल रहा है? हम कानून की मदद भी तो ले सकते हैं। कैसा दोस्त है तू, और मुझे थाने और कचहरियों में धक्के खाने की राह दिखा रहा है, और वकीलों की फीस भरने की पसली नहीं है मेरी मुरादे। तो तू साबरा की अपनी छोटी सगी बहन की जिंदगी कुर्बान कर देगा? और बहनें होती भाइयों पर कुर्बान होने के लिए, रीत है ये सदियों से। और भाई, क्या भाई बहनों की हिफाजत के लिए नहीं होते? तो क्यों सीधे साधे मामले में पेच डाल रहा है? और ये बहन भाई की बात में क्यों टांग अड़ा रहा है तू? और टांग नहीं डाल रहा यार, बचपन का दोस्त है तू मेरा, मैं तेरे घर का फर्द हूं अल्लाह बख्श। तो देख, ये कत्ल तूने किए हैं, खुद को जर्गे की बजाय कानून के सामने पेश कर और साबित कर कि तूने हथियार अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल किए थे। और हकीकत भी तो यही है यार, तेरी इन पढ़ी लिखी बातों में आकर कबीले की रवायत से मुनकर हो जाऊं और जर्गे को बेतुकीरा कर दूं? हाँ, अल्लाह बख्श, मेरी बात सुनी यार। मैं तो उनके लिए सिर्फ अल्लाह बख्श के जुर्म की सजा हूं। कल जर्गे का सरदार मुझे जमाल और कमाल के कत्ल के बदले हाकिम अली के हक में फनी कर देगा। कल मैं मासी हो जाऊंगी। मुराद, चलना है तो भी चल। क्या? अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे फनी होने की जिल्ला से बचा ले। तेरी माँ क्या सोचेगी?
अल्लाह बख्शे, बचपन का दोस्त है मेरा। वो क्या? सबका ख्याल है तुझे, नहीं है तो मेरा नहीं। साफ क्यों नहीं कहता? झरके से डरता है तू, हिम्मत नहीं है तुझ में। हाँ, नहीं है हिम्मत। जरगे ने मुकदमा के सारे पहलुओं पर अच्छी तरह गौर करके फैसला किया है कि हाकम अली को खून बहा के तौर पर अपनी बहन और 1,00,000 रुपए नकद अदा करेगा। बस वो दो बेटों का खून बहा और सिर्फ ये? राणा बख्श अपनी भैंस भी हाकम अली को देगा, 1,00,000 रुपया नकद, और अपनी बहन साबरा को हाकम अली के साथ वनी करेगा। ठीक है जनाब, मुझे कुछ कहना है। अल्लाह बख्श ने ये कत्ल अपनी जान बचाने के लिए किए थे जनाब, और कानून की नजर में ये कत्ल नहीं है जनाब। हाय, ये तू क्या कह रहा है मुरादे? मैं ठीक कह रहा हूँ जनाब। इसके अलावा हुकूमत ने वन्नी की रस्म पर पाबंदी लगा रखी है जनाब। अब तो शहर में कई एनजीओज इसके खिलाफ काम कर रही हैं जनाब। अगर उन एनजीओज को पता चल गया तो वो यहाँ भी आ सकती हैं। ना सिर्फ एनजीओज बल्कि पुलिस भी यहाँ आ सकती है जनाब। बैठ जा मुंडिया, क्या बकवास कर रहे तू? शहरों में जो हो रहा है होने दो, हमें उससे क्या लेना देना? जरगे के कानून के सामने कोई कानून नहीं चलता। जाला बख्श, तू अपनी बहन को लेकर आ। कहाँ? बाग में। बाग में? हाँ चलूंगी। Yeah.
रहने दे, उठा लूंगी। काफी देर से बैठा था तेरे इंतजार में। मैंने कब कहा था आने को? पिछले सावन तो हर रोज कहती थी। पुरानी बातें भूल जा। पुरानी बातें? और ये तेरे माथे पे जख्म? कई जख्म पुराने हैं जो माथे पर नजर नहीं आएंगे तुझे। देख साबरा, अभी भी वक्त है। किसके लिए? तू मेरे साथ। वाह, जब कुछ करने को कहा था तब तो किया नहीं, अब क्या फायदा इन बातों का? निकाह हुआ है मेरा हाकिम के साथ। देख साबरा, जो जबरदस्ती निकाह किया जाए वो निकाह जायज नहीं। था कोई और मेरी किस्मत बदलने वाला? बोलो बोलो मुराद। अगर तुम चाहो तो किस्मत आप भी बदल सकती है।